अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है। आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म है, तो उसी हवाले से हम आपको गाइड करते रहते हैं। हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के मामला देखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का जो इंतखाब है वो कैसे किया जाए। आप आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालिक अपने जान पहचान वाले दोस्तों से कुछ इब्तदाई मालूमात लेने के बाद जब मार्केट में दो चार लोगों से मिलेंगे, तो हर एक का रेट और स्कोप ऑफ वर्क जो है दूसरे से अलग ही मिलेगा। किसी का रेट कम होगा, किसी का ज़्यादा। यहाँ एक नुक्ता जेन में रखें कि सिर्फ महंगे रेट वाला जो ठेकेदार है या बिल्डर्स है, लाजमी नहीं कि काम भी अच्छा करेगा। कई लोग जो हैं, सॉरी टू से, वाइट कॉलर फ्रॉडिये भी होते हैं जो सिर्फ आवाम को लूटने के लिए लश पश दफ्तर बना के बैठे होते हैं और नए कस्टमर्स को मरूब करने का जो ढंग है वो जानते हैं। अच्छे बंदे की जो पहचान है या अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की जो पहचान है, उसके पुराने कस्टमर्स के फीडबैक से होती है, और ये फीडबैक पहले से मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट जो उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम ख़त्म किए हैं ज़ाती तौर पर, आप जब ख़ुद विज़िट करते हैं और उस कस्टमर से जिसको उस ठेकेदार ने उसका घर बनाया हुआ है उस बंदे से ज़ाती तौर पे मिलते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इस बंदे की क्या रेपुटेशन है मार्केट में। या ठेकेदार या बिल्डर से माहिदा करने से काबल इनकी प्रोफाइल चेक करें और पुराने कस्टमर से इस बात का इत्मीनान कर लें कि जिस बंदे से आप माहिदा करने जा रहे हैं वो काम की क्वालिटी और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक डिलीवर करेगा। या बाद में ख्वार करने वाले भी लोग होते हैं। कुछ कई लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करने में बहुत तखीर कर देते हैं, प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में, जिसकी वजह से क्लाइंट को बहुत कोफत होती है। और अगर क्लाइंट किसी किराए के घर पे रह रहे हैं तो इसकी किराए की बाद में अखराजात बढ़ जाते हैं। घर की तमीर सस्ता काम नहीं है, जिसके सुपुर्द करना है इस बंदे की शोहरत के बारे में ज़रूर तसल्ली करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और अगर हमसे काम करवाने का इरादा बने तो इस तसल्ली के मामले में हमारे भी यही कुलिया है कि आप अगर आपका दिल मानता है, दिल को इत्मीनान हासिल हो, तो अपना प्रोजेक्ट हमें दें। अगर इत्मीनान ना हो तो आप बिल्कुल ना दें। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मुकम्मल तसल्ली करना क्लाइंट का हक है और उसका फ़र्ज़ भी है। तो इस पे ये मेरी आपको एक टॉपिक, इस छोटे से टॉपिक पे मैंने आपको ब्रीफ़ किया कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब कैसे किया जाए। कि आप सबसे पहले कि आप जो उसके कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक लें और उनके जो डिलीवर शुदा प्रोजेक्ट हैं उनको ज़रूर विज़िट करें, और उस बंदे की, ताकि आपको रेपुटेशन का और आपको उसकी जो मार्केट में उसके बारे में लोग क्या कहते हैं उसका आपको अंदाज़ा हो सके। तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अगर आप कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।